दोस्तों आज हम यहाँ मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी की यूपी जोड़ो यात्रा पहुंची है, छठा दिन है आज। और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं श्रवण कुमार जी, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, साथ साथ नेशनल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी, नेशनल एक्टिविस्ट भी। तो आइए बात करते हैं कि इस यात्रा से कितना लाभ पहुँचने वाला है। तो श्रवण जी, आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश, देखिए यूपी जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में जिस तरीके से, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, जिस सरकार ने तमाम ऐसे वायदे किए थे जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उस वक्त सत्ता में इन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देश की जनता के साथ इन्होंने सबसे बड़ा अन्याय किया है। आज चाहे बेरोजगारी की बात हो, जब सड़क पे युवा देश में रोजगार मांगने की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं को लाठी और डंडे बरसाने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री से, आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी की? आज किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने का काम नहीं कर रहे हैं। ये मुरादाबाद की धरा है, ये पीतल की नगरी कही जाती है, लेकिन क्या जितने यहाँ पीतल के कारखाने थे, क्या दोबारा उनको पुनर्जीवन देने का काम किया? नहीं किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या देश में कांग्रेस की सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पूंजीपतियों के नाम पे देश को लूटने का काम किया है। आज ये उत्तर प्रदेश यात्रा जो है यूपी जोड़ो, इसका जनादेश आप देख सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री को यह पता हो जाना चाहिए कि 2024 में जनता मुद्दों पे बात करेगी और जनता सवाल पूछेगी, आपने विगत 10 सालों में क्या करने का काम किया? सिर्फ और सिर्फ नफरत के नाम पे देश को तोड़ने का काम किया। पिछले अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आई है, तो इसके असर क्या है? देखिए, जिस तरीके से सारे सरकारी जो संस्थान हैं भारतीय जनता पार्टी के अधीनस्थ हैं, आज चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करें, सब देश के प्रधानमंत्री और देश भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहेगी तब चुनाव कराती है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले सब कुछ सही हो जाएगा? देखिए, लोकसभा में जब जनता का जनादेश तय कर देगा, आप बताइए 500-600 वोट का, 1000 वोट का घपलेबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब पूर्ण रूप से जनता सड़कों पे उतरेगी और जनता एक, उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होगा कि मुझे इस देश में कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस की विचारधारा को बताना है, तो कहीं ना कहीं देश की जनता सड़कों पे उतर के और इस सरकार को गिराने का काम करेगी। आज लड़ाई हमें संविधान बचाने की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संविधान को ताक पे रख के, चाहे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की नीति हो, आप बताइए गरीबों को, आसियाने को गिराने का काम किया गया? आखिर कौन इसका काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही के जरिए इस देश में गरीबों के आसियानों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। ऐसे बुलडोजर नीति की सरकार नहीं चाहिए, सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए और उसके लिए हम इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो और इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश हो, इससे पूर्व में आपने देखा होगा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था कि हमें जातियों को जातियों नहीं लड़ानी है, हमें देश को तोड़ना नहीं है, हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति नहीं करनी है, हमें इस देश में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना है। प्यार मोहब्बत के पैगाम से ही आप चुनाव जीत लेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप हर चुनाव को जीतने के बाद में पूरी तैयारी में जुट जाती है, तो आपकी पार्टी क्या तैयारी करती है? देखिए, हमारी पार्टी झूठ बोल के सरकार नहीं बनाती। हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे आप हिमाचल की बात करें, चाहे आप तेलंगाना की बात करें, हमने जो वायदे किए हैं उन वायदों पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरा करने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए वादे तो मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो कहते हैं हम वादे पूरे कर रहे हैं, सरकार जनता का काम कर रहे हैं, जनता को फायदा पहुँचा रहे हैं, जब भी हमें चुन रही जनता। देखिए, मोदी गारंटी झूठी है। मोदी गारंटी में जो राजस्थान में जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, जिसके चेहरों पे इन्होंने वायदा किया कि वहाँ के लोगों को 450 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन आज इन्होंने वायदा किया वो सरकार में नहीं है, कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बना दिया गया। वही हाल मध्य प्रदेश में रहा, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात जीतने के बाद में ही ये पता क्यों चलता है ईवीएम में घोटाला हुआ है, ये जीतने के बाद में क्या होता है?
देखिए उससे पहले क्यों कुछ देखिए ईवीएम का आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस तरीके से ईवीएम को हाईजैक, तमाम ऐसे ईवीएम पकड़े गए पूरे देश में, ईवीएम पकड़े गए लेकिन सरकार उसको दरकिनार करती है। आज वही लड़ाई है। आज जिस तरीके से मीडिया मूकबधिर, आपने देखा होगा, आप जैसे चैनलों को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इस देश की मीडिया इस यात्रा को नहीं दिखाना चाहती है, लेकिन आप जैसे लोग दिखा रहे हैं। और ये जनक्रांति है, ये क्रांति का रूप ले रही है। इस देश की जनता ने ठाना है कि दोबारा इस देश में कांग्रेस को लाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत की राजनीति करके इस देश को तोड़ना चाहती है, लेकिन हम इस देश में जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। ये देखिए आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जो यात्रा आ रही है, ये पूर्ण रूप से जनसैलाब लेके आ रही है और उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति का उदय हो रहा है। देखिए अजय राय जी के हमारे नेतृत्व में पूरी यात्रा एकदम चल रही है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा कारवां पूर्ण रूप से सफल होगा और 2024 हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद धर्मा जी आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।